ज्योति फाउंडेशन के माध्यम से हम लोगों ने विभिन्न कार्यक्रम अपने अंचल में किया है, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिनों पहले हम लोगों ने रोजगार मेला लगाया था, जिस रोजगार मेला में लगभग 5,000 लोगों को हम लोगों ने प्राइवेट नौकरियां जो व्यवस्था की थी। आज जो है आप लोगों के मध्य हम लोग आए हैं, क्योंकि बैरकपुर को जो है रोजगार के सृजन के केंद्र के रूप में एक समय देखा जाता था। आप यदि याद करेंगे तो आपके भी दादा या पिताजी या आपके परदादा नाना कोई भी जब यहाँ आए होंगे तो वो रोजगार के लिए और अच्छी पढ़ाई के लिए आए थे, लेकिन आज धीरे धीरे समय बदलते चला गया और आज जो रोजगार यहाँ खत्म हो गया और लोग जो है यहाँ से दूसरे राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि बैरकपुर को कैसे बढ़ाया जाए, बैरकपुर को कैसे डेवलप किया जाए, और बैरकपुर को डेवलप करने के लिए आप लोगों की राय की जरूरत है, आप लोगों की परामर्श की जरूरत है कि यहाँ क्या समस्याएं हैं और उसका समाधान कैसे हो। आप लोग जो है 89024 और 89024 नंबर याद कर पाएंगे आप लोग? सुनिएगा नंबर 89024 89024, अरे एक ही नंबर है, पहले 89024 और बाद में भी 89024, 890-24 और 890-24, इस नंबर पे आप लोग कॉल करके अपना राय जरूर बताएं कि बैरकपुर के आपके एरिया को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सही से काम करना चाहिए। लगाया गया है निशुल्क हेल्थ चेकअप के शिविर में आकर के समस्त नगर के वासी अपना जो है परीक्षण करवा सकते हैं। यहाँ जनरल फिजिशियन डॉक्टर, गायनो का डॉक्टर, आई चेकअप के जो है डॉक्टर एवं ईसीजी जो है किया जा रहा है, ताकि किसी को भी किसी प्रकार का यदि हार्ट से रिलेटेड अगर समस्या दिख रहा हो तो वो आकर के यहाँ पे ईसीजी करवा सकते हैं। तो सभी लोगों को हम लोग जो है वेलकम कर रहे हैं कि आप लोग आइए और बैरकपुर एजेंडा फॉर्म के तहत आप लोग आकर के अपनी बातों को रखिए कि अपने बैरकपुर को आने वाले वक्त में और भी कैसे सशक्त और मजबूत हम लोग करें। बैरकपुर एक समय रोजगार का सीजन का मूल केंद्र रहा है, तो इस बैरकपुर को और भी तेज़ी से डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए, अपने इतिहास को मजबूत करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है और आम जनता का क्या समस्या है, उस समस्या को वो रखें और अपने से वो स्वयं परामर्श दें कि आने वाले दिन में ज्योति फाउंडेशन के माध्यम से बैरकपुर एजेंडा फॉर्म क्या क्या काम करें। क्योंकि जब यहाँ के लोग अपनी राय देंगे और अपने राय और परामर्श देंगे तो उसी राय और परामर्श को लेकर के और भी शक्तिवान होकर के और भी ऊर्जावान होकर के अपने सामर्थ्य के अनुसार हम लोग जो है बैरकपुर को विकास के मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए कार्य करेंगे। तो ज्योति फाउंडेशन की ओर से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे समस्त लोग जो है जुड़े हुए हैं और बैरकपुर एजेंडा फॉर्म का जो नंबर था, मैं पुनः बोलूँगा कि जो भी लोग अपने राय ऑनलाइन के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से देना चाहते हैं वो 89024 पर भी कॉल करके अपनी राय को दे सकते हैं। अगर वो साधारण सा नंबर है 890-24 890-24, इस नंबर पर फ़ोन करके अपना राय दे, अपना मतामत दे और यहाँ पर आकर के स्वास्थ्य शिविर में अपना जो है निःशुल्क चेकअप करवाएं। ये केंद्र पुनः जो है आगामी कल ब्रह्मस्थान के पास में जो है बैरकपुर नगर पालिका के अंतर्गत लगाई जाएगी और इस शिविर के बाद यहीं पास में जो है जो हमारा
तृतीय कार्यक्रम आज का है बैरकपुर डीडी नंबर 1, वो जो है एंग्लो भरना स्कूल के मार्ग में जो है आयोजित हुआ है। वहाँ पर जो है हम लोग अपने अंचल के मातृशक्ति के साथ मिलकर के बैरकपुर दीदी नंबर 1 के कार्यक्रम को देखेंगे और बैरकपुर दीदी नंबर 1 के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके सभी महिलाओं के भी राय को लेंगे कि मातृशक्ति घर में बैठी हुई महिलाएं क्या चाहती है कि कैसे बैरकपुर को आगे बढ़ाया जाए। तो ये कार्यक्रम हम लोग निरंतर करते रहने का प्रयास करेंगे और शाम में जो है जैसा हम लोगों ने कहा था शीत वस्त्र वितरण का कार्यक्रम है एवं साथ ही साथ जो है वहाँ सांस्कृतिक अनुष्ठान भी हम लोग करेंगे, भजन गीत होगा एवं लोगों के साथ मिलकर के वहाँ भी उनकी राय को लेने का कार्य करेंगे। निश्चित रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य की जहाँ व्यवस्था मजबूत होती है वो शहर अपने आप आगे बढ़ता है। मैंने आपको कहा कि बैरकपुर रोजगार सृजन का केंद्र हुआ करता था आज़ादी के पूर्व या आज़ादी के 20 वर्षों बाद तक आप देखें तो पूरे भारतवर्ष के लोगों के मन में जब विषय आता था कि हमें रोजगार चाहिए हमें अच्छी पढ़ाई चाहिए तो वो सबसे पहले जो बंगाल की ओर कुछ करते थे विशेषकर हुगली नदी के किनारे बसे बैरकपुर की ओर कुछ करते थे। आज क्या हो गया जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, जहाँ शिक्षा जो आसानी से लोगों को मिलता था जहाँ रोजगार मिलता था आज वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। तो हमें दुख होता है कि ऐसे क्षेत्र से लोग पलायन करें। एक समय था जब हम लोगों ने अपने घर द्वार को छोड़कर एक नया आशियाना बसाया और पुनः जो आज अपने आशियाने को जो नए रूप में हम लोगों ने बसाया था उस आशियाने को पुनः उजड़ते हुए देखते हुए कष्ट होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बैरकपुर के तमाम वासी अपना जो है मार्गदर्शन करें बैरकपुर एजेंडा फॉर्म ज्योति फाउंडेशन को कि आने वाले दिन में हम लोग कैसे बैरकपुर को पुनः जो है रोजगार के सृजन के केंद्र के रूप में मजबूती प्रदान करें एवं आने वाले दिन में बैरकपुर के विकास के मार्ग पर प्रशस्त करें। और शिक्षा जो हमारी प्राथमिकता है, हम लोग जो है फ्री कंपटीशन का जो है इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी भी चला रहे हैं जहाँ बच्चे और बच्चियाँ जो है फ्री में आकर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। टीटागर में भी बहुत जल्द हम लोग इसका एक सेंटर खोलने जा रहे हैं जहाँ यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ कंपटीशन की तैयारी फ्री में कर पाएंगे और उन्हें कोई भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। वो आसानी से कंपटीशन की तैयारी करके अब वो जो है गवर्नमेंट की जॉब को पाएंगे। तो ये व्यवस्थाएँ हम लोग करने जा रहे हैं लेकिन लोगों की राय चाहिए, लोगों का परामर्श चाहिए, लोगों की समस्याएं चाहिए ताकि हम लोग समझ पाएं कि सचमुच बैरकपुर के लिए क्या जरूरत है। इसलिए मैं पुनः भी निवेदन करूंगा कि समस्त लोग अपनी राय को दें और 890-24 इस नंबर पर कॉल करके अपना राय अवश्य दें। घर बैठे आप सोचें कि बैरकपुर को आगे बढ़ाने के लिए क्या जरूरत है और जो आपको समझ में आता है उस विषय को आप जरूर रखें। आपका मार्ग निर्देश, आपका मतामत, आपके द्वारा जो मार्गदर्शन किया जाएगा उसी को हम लोग जो है सर आंखों पर रख करके उस कार्य को ही आगे लेकर के बढ़ेंगे। सर कहते हैं कि साफ सफाई के लिए, सेहत के लिए साफ सफाई बेहद जरूरी है, लोग इस पे ध्यान नहीं देते, सर क्लीननेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर निश्चित रूप से मैं बोल रहा हूँ, लोगों का जो है राय मैं जानना चाहता हूँ, कहाँ किस प्रकार की समस्या है, कहाँ कौन सी समस्या सबसे बिगड़ परिस्थिति में है, कैसे अपनी समस्याओं का समाधान किया जाए, ये लोगों का ही मत हम लोग जानना चाहते हैं। लोगों का मत आने के साथ ही जो है हम लोग इस कार्य को और तेजी से बढ़ाएंगे और नया कार्य प्रणाली के माध्यम से नए कर्म सूची को लेकर ज्योति फाउंडेशन की ओर से यहाँ फ्री में आंखों का जांच किया जा रहा है। इसके अलावा जिन भाइयों बहनों को खांसी सर्दी सीरियल नंबर 61, 62, 63, 64, 65 जहाँ कहीं भी है आने का कष्ट करें। सीरियल नंबर 61 की ओर से समस्त नगर वासियों के लिए मुफ्त में स्वास्थ्य चेकअप का व्यवस्था किया गया है। हेलो हेलो चेक हेलो
हेलो हेलो और देख सकते हैं ये किस प्रकार से गोल किया जा रहा है माता और बहनों के द्वारा और गोल बना के खेल खेला जाएगा। एक अच्छा खेल आप लोगों के बीच में मेडिकल बोर्ड खेल खेल में कृपया भूलना चाहे कि खेल भी आप लोगों के बीच में लाया गया है। फंस गया वो आउट हो जाएंगे। ठीक है सभी ध्यान देंगे म्यूजिक के ऊपर जो पीछे बॉक्स से आए। अरे जितने भी लोग अंदर है घेरे के वो बाहर आ जाए। ठीक है तो आप लोग रेडी रहिए बहुत बड़ा खेल है और आप लोग आगे विनर होना है। और एक बात मैं जरूर बोलूंगा देखिए अच्छा मुझे कितने लोग पहचान रहे हाथ उठा के सच से बोलिएगा ईमानदारी से कितने लोग मुझे पहचान रहे हैं। बहुत कम लोग पहचानने वाले चलिए ठीक है पहचान लीजिए। मैं प्रियांगी पांडे हूँ मेरा घर काकीनाड़ा भाटपाड़ा में है। ये जो आप देख रहे हैं खेल ये ज्योति फाउंडेशन के द्वारा जो हो रहा है बैरकपुर एजेंडा फोरम ये जो है हम लोगों ने ही शुरुआत किया है। सभी को प्राइज दिया जाएगा सामने आ जाइए। अच्छा आप लोग बताइए कैसा लगा ये खेल अच्छा लगा ना। इसीलिए इसी तरह जो हम लोग 21 जगह पूरे लोकसभा में जाएंगे 21 दिन तक सभी लोगों को अच्छा लगेगा सब अंचल में सभी इलाके में कल हम लोग का खेला भैरतपुर में है ना। और आप लोगों को सबके कहूंगा कि जो अंतिम दिन का खेल होगा वो भैरतपुर में किसी एक बड़े मैदान में होगा उसकी घोषणा आप लोगों को माइक के माध्यम से और फोन से मिल जाएगी। ठीक है उस दिन जरूर आइएगा क्योंकि पूरे भैरतपुर लोकसभा के अंतर्गत जितनी भी महिलाएं इस तरह से पांच पांच लोग का चयनित होंगी उसमें से फिर फाइट होगा और भैरतपुर डीडी नंबर वन हम लोग प्रत्येक खेल में निकालेंगे। ठीक है तो उस दिन और ज्यादा मजा आएगा देखने में आएगा ना। तो चलिए ठीक है जो प्राइज देने का वक्त है विशाल क्या है विशाल चमका के देखिए।